हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन में डिस्कस करने वाले हैं Class-3। और यहाँ पर आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है आपकी वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स क्लिनिक, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल्स एंड एग्जाम वॉरियर्स। इन टॉपिक के ऊपर आज की क्लास है आपकी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है आपका वैक्सीनेशन ऑफ व्हील्स क्लिनिक। जिग्नेश पटेल ये एक फेलो हैं सेंटर ऑफ हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप के, जो कि IIT हैदराबाद का एक डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे इन्होंने ये एक फेलो हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स क्लिनिक है। इन्होंने एक क्लिनिक स्टार्ट की है जो कि व्हील्स पे होगी, मतलब मोबाइल होगी, और उसके साथ साथ वो वहाँ पर क्या करेंगे, वो वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पर है ये इनका, ये पुणे के एरिया में है, PCMC एरिया में है महाराष्ट्र के, और ये पुणे में जगह जगह जाकर लोगों को वैक्सीन्स प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीनेशंस करते हैं। तो ये जो इनकी जो यूनिक सर्विस है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इन्होंने स्टार्ट किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में आपको पता ही होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको फंड प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो भी स्टार्टअप होता है या जो भी उनकी जो उनके आइडियाज़ होते हैं उनको फ़ंड करते हैं। तो इसी तरीके से इनको ये जो फाउंडेशन है इनको ये पैसे दे रही है। और जो जिग्नेश पटेल हैं, इन्होंने जिनका हेल्थ केयर फाउंड किया था, इन्होंने इसको बनाया था, और इसी जिनका हेल्थ केयर के नाम पे इन्होंने वैक्सीनेशन सर्विस स्टार्ट की है, जो कि आपका ये पूरा ही पुणे एरिया कवर कर रहे हैं महाराष्ट्र का। और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स क्लिनिक बोला गया है। अब ये टॉपिक आपका करंट अफेयर्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैक्सीनेशन ऑन व्हील क्लिनिक किसने स्टार्ट किया है, जिग्ना पटेल जो हैं ये कहाँ के हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के हैं। तो ये आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद के हैं। नाम एक बार फिर से इनका याद कर लीजिए, जिग्ना पटेल नाम है इनका, ठीक है, जिग्ना पटेल है नाम इनका। और इनको जो पैसे हैं, जो फंड दिए हैं, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिए हैं। इनका जो हेल्थ केयर है, जो इनकी जो फाउंडेशन है जो इन्होंने बनाई है जिग्ना पटेल ने, उसका नाम है जिंका हेल्थ केयर। तो ये आपकी ये टॉपिक है, और यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट्स थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल्स। तो एक नई रिपोर्ट आई है, एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जो पब्लिश की गई है, और ये रिपोर्ट आपकी दी है US नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, दैट इज़ NSF ने। तो इन्होंने बताया है कि जो इंडिया है, इंडिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की है एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में, हमारा देश तीसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइंस एंड इंजीनियरिंग के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। US सेकेंड आया है और चाइना फर्स्ट आया है इस कैटेगरी में। इंडिया में ऑलमोस्ट जो लास्ट ईयर का डेटा है वो 135,788 है, और अभी भी अगर मैं उस डेटा की बात करूँ सिर्फ, तो US का इसका जस्ट डबल है। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो बेसिकली बहुत हमारे जो हमारा स्टिल हमारा थर्ड पोजीशन है यहाँ पर, और हम थर्ड लार्जेस्ट साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल को पब्लिश करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक वो है आपका एग्ज़ाम वॉरियर्स। एग्ज़ाम वॉरियर्स एक बुक है जिसको लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो अभी अभी एग्ज़ाम वॉरियर्स का एक जो ब्रेल एडिशन है वो रिलीज़ किया गया है। इसको रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थारचंद गहलोत ने। तो गहलोत ने इस बुक को इसको रिलीज़ किया है, और ये बुक लिखी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एग्ज़ाम वॉरियर बुक जो है वो किसने लिखी है, तो राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये आपके आज के टॉपिक थे, आई होप ये टॉपिक क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।